मैं हूँ आपकी अपनी दिल्ली की लड़की हिमानी, और आज मैं जिस रेस्टोरेंट में आप लोगों को लेकर आई हूँ ना, उसे खासा इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो लोग इतने पॉपुलर हैं अपने खाने के लिए। एंड टुडे विद अमेजिंग फूड वी आर हियर एट दिस अमेजिंग लोकेशन। आई एम टॉकिंग अबाउट इन द फ्लेवर व्हिच इज न्यूली ओपन्ड एट पैसिफिक मॉल एनएससी। लेट्स गो। I just love the interiors, full industrial mixed with modern, with these cane lamps and everything. But हम अंदर नहीं बैठेंगे, मैं तो बाहर बैठूंगी, क्योंकि रूफटॉप का भी तो फायदा उठाया जाए। Let's go. So finally the wait has ended and I have my food in front of us, और हम शुरू करने वाले हैं इससे। तो ये बेसिकली है कड़क रुमाली रोटी, ठीक है, पापड़ जैसे दिख रही है बट ये रुमाली रोटी का बेस है। एंड इसके अंदर मुझे बहुत ही सही मसाला दिख रहा है, पहले मैं खाने वाली हूँ। काफ़ी कड़क है यार। अगर आपको पापड़ पसंद है ना, पापड़ का टेक्सचर क्रंचीनेस, बट पापड़ के अंदर जो एक फ्लेवर होता है वो पसंद नहीं आता ना, तो ये ट्राई कर सकते हो। इसमें अपना ना बेसिकली इसके बेस का कोई फ्लेवर नहीं है, पापड़ जैसा फ्लेवर नहीं है, बट जो उसके ऊपर टॉप पे मसाला और जो सारी इंग्रेडिएंट्स डले हुए ना, उससे उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। नेक्स्ट अप वी हैव आर एवोकाडो पापड़ी चाट, एंड इसको ट्राई करते हैं अब। एवोकाडो को मैंने सुशी में खाया है, बहुत सारी चीज़ों में खाया है, बट पापड़ी पे लेट्स ट्राई दिस। तो देखो यार, दही भल्ले और पापड़ी चाट तो वैसे भी खाते रहते हैं, बट उसी का हेल्थियर वर्जन है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा एवोकाडो डाल के इसमें हेल्थ फैक्टर बनाने की कोशिश करिए, बट आई वुड से इट इज़ नॉट डिसअपॉइंटिंग, इट इज़ एक्चुअली रियली नाइस। जो वो टेक्सचर है ना एवोकाडो का, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो या यू कैन ट्राई दिस। नेक्स्ट अप इज द डिश जिसके मैं सबसे ज़्यादा वेट करी थी। बेसिकली हमने पाव भाजी तो बड़ी नॉर्मली खाई है, बट ये है पाव भाजी फोंड्यू, ठीक है। तो फोंड्यू जनरली चॉकलेट का होता है या चीज़ का होता है, बट हम पाव भाजी कहेंगे। दाल मखनी का भी होता है, वो भी हमने ट्राई किया है, बट हम आपके लिए पाव भाजी ट्राई करने वाले हैं। ठंडे होने का कोई टेंशन नहीं है इसकी, को नीचे फ्लेम जल रही है, बट द फ्लेवर इज सो गुड, और जो पाव है ना इतनी मस्त बटर में लिपटे हुए हैं, डिलिशियस। सो आई वुड से ये तो मस्ट ट्राई है, बिकॉज ये इनकी सिग्नेचर, वन ऑफ द सिग्नेचर डिशेज है, तो या यू मस्ट कम योर एंड मस्ट ट्राई दिस पाव भाजी। नेक्स्ट है एक और एवोकाडो की डिश। तो बेसिकली ये है पाव, और मैंने जनरली ना पनीर टिक्का और टोफू पाव खाए हुए, बट ये पहली बार मैं खा रही हूँ एवोकाडो और कॉर्न वाला पाव, ठीक है। दिख तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है, काफ़ी हेल्दी हो गई हूँ मैं, सो आई एम गोना ट्राई दिस। तो इसका ना थोड़ा डिफरेंट सा टेस्ट है, थोड़ा ट्रॉपिकल से फ्लेवर्स है इसके अंदर, बट आई वुड से इट इज़ अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम योर यूजुअल बाउस, बट इफ़ यू लाइक टू ट्राई समथिंग डिफरेंट यू मस्ट ट्राई दिस। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, बट यू कैन टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन अगर आपने यहाँ पे ट्राई कराई है आकर, आपको कैसा लगा। नेक्स्ट हम ट्राई करने वाले हैं ये देसी प्लेटर। सो इसमें है मलाई चाप, तंदूरी चाप, पनीर टिक्का, दही के छोले, एंड आई ऑल्सो सी मशरूम, राइट, इट इज़ ऑल्सो मशरूम, सो वी आर गोना ट्राई दिस। पहले तो मुझे ना इसकी चाप बड़ी टेस्टी लग रही है, तो मैं चाप खाने वाला। ऑल्सो गाइज, इन्होंने मुझे आज पूरी पूरी कटोरी नहीं दी है, पूरी पूरा ग्लास भर की चटनी दे दी है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये बहुत अच्छी लगी मुझे इनकी ये बात। तो इसकी ये तंदूरी वाली चाप तो बहुत ही सही थी, नाउ आई एम गोना ट्राई द मलाई चाप। ऑल्सो गाइज, ये पूरा चटनी का प्लेटर है हमारे पास, तो इसमें ये जो चटनी है ना, ये मैंगो चटनी है, और ये बहुत ही सही है। आई एम द चटनी क्वीन, सो आई एम गोना ट्राई ऑल चटनी। सो गाइस, ये देसी प्लेटर बहुत ही ज़्यादा सही था, इसकी सारी ही जो यू नो वो डिशेज है इसके अंदर, मलाई चाप और टिक्का चाप और पनीर टिक्का, सभी बहुत टेस्टी है, उनका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। सो या दिस इज ऑल्सो अनदर मस्ट ट्राई अगर आपको स्टार्टर्स पसंद है तो। नेक्स्ट आई एम गोना ट्राई दिस डिश जिसके लिए मैं बहुत देर से वेट करी थी, ये खमीरी रोटी और उसके साथ चंगेजी चाप, और ये दिखने में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इससे पहले कि मैं इसे खाऊं, मैं ऑलरेडी मुझे इससे एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, और खमीर रोटी ना जनरली नॉन वेजिटेरियंस को मिलती है उनके डिशेस के साथ, बट मैं वेज हूँ और मैं पहली बार ये खा रही हूँ, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ।
This is so good. So I would say कि actually तो जितना भी मैंने खाया है ना वो सब कुछ ही must try है but you have got to try this खमीरी रोटी and this तंगेजी चाप. ये मेरा by far best था मतलब इतना अच्छी चाप खाए हुए ज़माना हो गया और खमीरी रोटी के साथ मिल रहा है. तो वेजिटेरियंस अगर आपको खमीरी रोटी जनरली मिलती नहीं है तो यहाँ के खाओ, चाप के साथ मिल रही है, बहुत ही बढ़िया. नाउ आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस फूड एंड सी यू ऑन द अदर साइड. Hi everyone. So Indus Flavor is a brand जिसे हमने 11 years before हमने भी opened our first branch in Hudson Lane. So this is our fourth branch जो अभी हमने open करा है Pacific Mall नेताजी सुभाष प्लेस. So this is Delhi's first vegetarian rooftop restaurant and this is Delhi's first rooftop where we do not serve alcohol. हमारा मेन फोर्टे हमेशा से रहा है फूड और वो आज भी है और हमेशा से रहेगा. दैट्स वाई अगर आप हमारी टैगलाइन भी देखोगे इट्स नॉट प्योर वेजिटेरियन इट्स प्राउडली वेजिटेरियन. अगर हम अपने खाने की बात करते हैं तो इट्स अ गुड मिक्स ऑफ बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न इंडियन. अगर जैसे कि हमारी कोई कोई डिशेज जो कि बहुत बेस्ट सेलर और जो सिर्फ हम सर्व करते हैं अपने यहाँ पर, उन सम ऑफ द डिशेज़ का नाम है कड़क रुमाली जो कि दिल्ली में आई थिंक शायद एक या दो ही रेस्टोरेंट है जो ये डिश सर्व करते हैं. उसके अलावा हम यहाँ पर फोंड्यूज़ भी करते हैं काफ़ी सारे, चाहे वो दाल मखनी फोंड्यू हो, पाव भाजी फोंड्यू हो, जेडी दाल मखनी भी करी जिसमें कि वी फ्लैम्बे जैक डेनियल्स विस्की एंड देन वी सर्व इट ऑन द टेबल. सो दिस इज़ अगेन पीपल लव one of our dishes which people love like anything. So it's basically 120 seater restaurant jahan par inside seating bhi hai aur outside seating bhi hai. To the end of today's episode and मेरी जितनी expectation थी ना आज के इस episode से बिल्कुल खरा उतरा है Indus Flavor उसके ऊपर. Because obviously it is a brand name, it is known for its दाल मखनी and its amazing food. मेरे को हर एक चीज इतनी बढ़िया लगी है, the flavors are beautiful, उसके नाम में flavor है तो खाने में तो होना ही था. The plus is कि ये पहला rooftop Indus Flavor है. So all my people who are in North Delhi or around North Delhi, और अगर आप नहीं भी हो तो please come here because this is worth your time. So yeah, come here with your friends and family and enjoy your time and meal. Abhi, I'm going to enjoy my ice cream and I'll see you in the next episode. This is me, Mani, signing off.